गुड इवनिंग फ्रेंड्स, माय नेम इज़ अंकुश। मैं आप सबका स्वागत करता हूं टेक इन्फो हब चैनल पे। आज हम रीजनिंग की 8th क्लास लेने जा रहे हैं। दोस्तों, मैं आपको जो क्लास में ये सवाल कराने जा रहा हूं, ये लास्ट ईयर के SSC JEE, SSC CGL, SSC CHSL और RRB के लास्ट ईयर के पेपरों में आ चुके हैं या उसी पैटर्न पर बेस्ड है। इसी तरह हम करंट अफेयर का वीडियो पब्लिश करते हैं 8:06 इन द मॉर्निंग, और टेक्निकल फील्ड का जो वीडियो है हम इवनिंग में 4 को पब्लिश करते हैं। तो ओके, चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। पहले सवाल पे आते हैं। सेलेक्ट द रिपीटेड वर्ड, सेलेक्ट द रिलेटेड वर्ड फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव। तो दोस्तों, आपको दिया हुआ है पहला मेघालय, दूसरा शिलोंग। अगर आपको ज्योग्राफी की बारे में थोड़ा सा पता है तो आपको पता है मेघालय एक राज्य है और शिलोंग उसकी राजधानी है। उसी तरह त्रिपुरा एक राज्य है, उसकी राजधानी क्या है ये आपको पता होना चाहिए। इसकी राजधानी है अगरतला। तो दोस्तों, अगरतला इसकी राजधानी है, तो आंसर इसका ए हो जाएगा। इम्फाल किसकी राजधानी है ये आपको पता ही होगा, नहीं पता होगा तो आपको देश की सारे राज्यों की राजधानी के बारे में तो पता ही होना चाहिए। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि बी ऑप्शन जो इम्फाल है वो मणिपुर की राजधानी है, पणजी है वो गोवा की राजधानी है, और दिसपुर असम की राजधानी है। असम का जो फेमस शहर है वो गुवाहाटी है, लेकिन वो उसकी राजधानी नहीं है, उसकी राजधानी दिसपुर है। ओके, चलिए नेक्स्ट सवाल पर आते हैं। इफ़ ए इज़ इक्वल टू 1, जेड इज़ इक्वल टू 26, तो टैलेंट बराबर 72 दे रखा है। तो दोस्तों, इस सवाल में आपको पहले से ही नंबरों पे नंबरिंग असाइन कर दी है इंग्लिश अल्फ़ाबेट की। तो अगर ए को 1 मानते हैं और जेड को 26 मानते हैं, तो टी उसी हिसाब से हो जाएगा आपका 20। ओके, टी 20 हो जाएगा, ए 1 हो जाएगा, प्लस एल क्या दे रखा है, एल हो जाएगा 12, ई हो जाएगा 5, प्लस एन हो जाएगा 14 और टी हो जाएगा 20। ऐसे करते हैं तो ये 72 आता है जो हमें यहाँ दिया हुआ है। इसी पैटर्न पे हमको क्या निकालना है, इसी पैटर्न पे हमको अवर्ट का निकाल देना है। तो ए हो जाएगा प्लस 1, वी हो जाएगा 22, ई हो जाएगा 5, आर हो जाएगा 18 और टी हो जाएगा 20। तो ऐसे करेंगे तो 22 और 18 40, 66 इसका आंसर हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। ओके, चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव वर्ड सेलेक्ट द वर्ड विच कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग द लेटर ऑफ द गिवन वर्ड। तो दोस्तों, हमें ये वर्ड दिया हुआ है कंपेनियनशिप। इससे इसके जो लेटर्स हैं उससे कौन कौन सा वर्ड बन सकता है ये हमें पूछा है। तो पहले जो मैंने आपको सवाल किया है कराए हुए हैं दोस्तों, उसमें मैंने आपसे क्या पूछा था कि कौन सा वर्ड नहीं बन सकता है। ये सवाल में थोड़ा सा उल्टा है कि हमसे पूछा है कि कौन सा वर्ड बन सकता है। तो दोस्तों, आपको डायरेक्शन बहुत ध्यान से पढ़ना है। यहाँ पे कैन नॉट होता तो आपको ढूंढना पड़ता कि कौन सा वर्ड नहीं बन सकता, और कैन दिया हुआ यानी कि हमें ढूंढना है कि कौन सा वर्ड बन सकता है। तो चलिए ऑप्शन ए में जाते हैं। ऑप्शन ए ओपन। ओपन में ओ और पी तो है, लेकिन ई जो है वो किसी वो लेटर में नहीं है, तो ई गलत हो जाएगा। ओपीएम में ओ पी आई भी है और एम बी है, लेकिन यू नहीं है किसी में, तो यू ये वाला ओपीएम गलत हो जाएगा। ओपीएम का मतलब आपको बताइए, जो अफीम होती है उसे ओपीएम बोलते हैं, ड्रग रिलेटेड वर्ड है ये। और सी ऑप्शन देखिए, ओपिनियन, ओपिनियन आपका फॉलो कर रहा है, सी हो जाएगा। नेशन इसलिए फॉलो नहीं करेगा क्योंकि टी वर्ड है, टी जो लेटर है वो इसमें नहीं है, इसलिए नेशन भी फॉलो नहीं करेगा, तो सी आपका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। ये है मैथमेटिकल ऑपरेशंस का सवाल। ये मैंने आपको पहले भी कई बार करा चुका है, आज देखिए उसकी प्रैक्टिस दोबारा करते हैं। हमें दे रखा है कि माइनस इज इक्वल टू, माइनस का मतलब क्या है भाग, प्लस का मतलब क्या है गुणा, और भाग का मतलब क्या है माइनस, और फिर क्या कह रखा है गुणा का मतलब है एडिशन। ओके, तो इसमें आपको क्या करना होता है दोस्तों, इसमें आपको इसका कोई शॉर्ट मेथड नहीं है, इसको आपको बेसिक से ही जाना पड़ेगा और सारे ऑप्शन चेक करने पड़ेंगे। तो चलिए पहला ऑप्शन चेक करते हैं। पहला ऑप्शन चेक करेंगे तो 100, ओके, प्लस को क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा मल्टीप्लिकेशन 5, माइनस का हो जाएगा भाग बटे 10, गुणा का क्या हो जाएगा, गुणा का हो जाएगा 250, और भाग का हो जाएगा 2 माइनस, तो ये हो जाएगा 200। तो इसको यहाँ से करेंगे, 10 जाएगा ये 50, ये 250, 300 हो जाएगा, 300 माइनस 200 करेंगे तो 100 आंसर आ जाएगा। ओके, तो आपका जो आंसर है वो ए हो जाएगा।
ये अगर आप इंटरचेंज करेंगे तो ये वाली इक्वेशन सही होगी, और हमसे यही पूछा था कि कौन सी करेक्ट है कौन सी नहीं है, तो आपका ए आंसर हो जाएगा। अगर ऐसे मान लो दोस्तों आपको अगर ए ऑप्शन नहीं बैठता है तो फिर आपको बी चेक करना पड़ेगा, फिर सी चेक करना पड़ेगा और डी चेक करना पड़ेगा, चार ऑप्शन आपको जाना पड़ेगा। ओके चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। फाइंड द ऑड वर्ड फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव। हमें तीन इक्वेशन दी गई है और दो का आंसर हमें दिया गया है। दो इक्वेशन जो है वो एक तरह का पैटर्न फॉलो करती है, वही पैटर्न आपको तीसरी इक्वेशन में लगाना है। तो आपको प्रैक्टिस होने पे ये पता चल जाएगा कि किस किस तरह के पैटर्न आते हैं। ये एक नया तरीका सवाल है, ये मैंने आपको लास्ट क्लासेस में नहीं कराया है। तो चलिए अब मैं आपको 5 सेकंड देता हूँ इसको करने के लिए कि आप कैसे देखेंगे। ओके ओके चलिए दोस्तों, इसको करने का तरीका ये है कि आप देखिए कि अगर 2 और 3 वाले पोर्शन को लें हम ये वाला, तो 2 × 3 करेंगे तो 6 आता है, माइनस जो हमें दे रखा है 2 + 3 कर देंगे ये होता है 5, 6 - 5 हो जाएगा ये 1। ऐसे ही ऐसे बी में जाएंगे तो 4 × 3 = 12 होता है, माइनस 4 + 3 होता है 7, तो ये हो जाएगा 5। तो ये वाला पैटर्न आपके फॉलो हो रहा है, तो आपको यही पैटर्न इसमें देख लेना है। 7 × 9 कितना होता है दोस्तों, 9 × 7 होता है 63, 63 और 9 + 7 हो जाएगा 16, तो आपका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 47। तो आपका दोस्तों आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। समझ में आ रहा है, ये थोड़ा अलग सवाल है लेकिन ऐसे सवाल आते हैं SSC में, तो आपको याद होना चाहिए कि ये कैसे करते हैं। इन द फॉलोइंग क्वेश्चन सेलेक्ट द रिलेटेड वर्ड फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव। ओके तो आपको दिया हुआ है एक वर्ड और उसी से ये दूसरा वर्ड बना है, तो आपको जो तीसरा वर्ड दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग आपको जो ये पैटर्न इसमें फॉलो कर रहा है वही आपको देखना है कि ये जो वर्ड दिया हुआ है ये चार ऑप्शन में से किसको फॉलो करेगा। तो दोस्तों इसको करने के लिए मैंने आपको कई बार बता चुका हूँ कि आपको इंग्लिश अल्फ़ाबेट में नंबर असाइन करने होंगे, तो उसी तरह अगर आप देखेंगे तो ए से लेकर जेड तक ए को 1 रखें और जेड को 26 रखें, तो उस पैटर्न में जे बराबर 10 आता है, एम बराबर 13 आता है और पी बराबर 16 और एस बराबर 19 आ जाता है। ओके और इसी तरह आप ए देखिए, ए आता है 1, डी आता है 4, जी आता है 7 और जे आता है 10। तो आप बेसिकली देखेंगे तो यहाँ पे -9 किया हुआ है, यहाँ -9 किया हुआ है, यहाँ -9 किया हुआ है और यहाँ -9 किया हुआ, तो आपको यही पैटर्न इसमें फॉलो करना है QTWZ में। तो आपको फिर असाइन नंबर करने पड़ेंगे, Q क्या हो जाएगा, Q हो जाएगा आपका 17, T आपका हो जाएगा 20, W हो जाएगा 23 और Z हो जाएगा 26। -9 करेंगे तो ये आ जाएगा 8, ये आ जाएगा 11, ये आ जाएगा 14, 23 - 9 और 26 - 9 आपका हो जाएगा 17। तो आपको जो इंग्लिश अल्फ़ाबेट है उसमें आपको याद तो रहेगा नहीं, तो आप ऐसा कीजिए कि जैसे एग्ज़ाम स्टार्ट होता है उसी में आपको जो रफ़ पेपर देते हैं उसमें पहले आप ABCD लिख लीजिए और उसके ऊपर उसकी नंबरिंग लिख लीजिए, तो ऐसे आपका काम इजी हो जाएगा, क्योंकि 3-4 सवाल ऐसे के ऐसे आपके पेपर में आएंगे तो आप कब तक ABCD याद करते रहेंगे। तो आप 8 आता है तो 8 होता है H, 11 हो जाएगा K, 14 हो जाएगा N और 17 हो जाएगा Q। तो HKNQ कौन सा ऑप्शन देख लेंगे, HKNQ है B ऑप्शन, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। चलिए समझ में आ रहा है, नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। फाइंड द ऑड वर्ड फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव। पहला है वॉयलिन, दूसरा है पियानो, तीसरा है फ्लूट, चौथा है हारमोनियम। तो दोस्तों ये है आपके साउंड म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट, आपको देख पियानो आपको पता ही है क्या होता है, वायलिन एक गिटार की तरह होता है, फ्लूट बांसुरी, हारमोनियम भी पियानो की तरह ही होता है। तो दोस्तों जो ए बी और जो डी है ये तीनों हाथों से बजाए जाते हैं, जबकि जो फ्लूट है उसमें माउथ का ज़्यादा यूज़ होता है, क्योंकि इसमें आपको हवा देनी होती है जिससे ही साउंड क्रिएट होता है। तो ये डिफरेंट है चारों में से, तो फ्लूट इसका आंसर हो जाएगा। ओके चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। अरेंज द फॉलोइंग वर्ड एज पर द डिक्शनरी। तो दोस्तों आपको 4 वर्ड दिए हुए हैं और हर पेपर में एक डिक्शनरी का सवाल ज़रूर आएगा ही आएगा, तो ये आपको पता होना चाहिए किस तरीके से करना है।
तो पहला वर्ड है इनकॉम्पैटिबल, सेकंड है इनकॉम्पेरेबल, तीसरा है इनकॉन्ग्रुएस और चौथा है इनकंसिस्टेंट। तो देखिए आई एन सी ओ तो सब में कॉमन है, ओके। अब आपको पता है कि एम एन से पहले आता है, तो जो स्टार्टिंग होगा टू और वन में से किसी में, वन और टू में से किसी में से, ओके। तो आप देखिए कि एम के बाद पी दोनों में कॉमन है, ए कॉमन है, आर और टी में से देखना है तो डिक्शनरी में आर पहले आता है, टी बाद में आता है, तो इसकी स्टार्टिंग कैसे हो जाएगी, टू वन हो जाएगी। तो बी और सी ऑप्शन तो वैसे ही गलत हो गया, ठीक है। फिर आपको देखना है तीन और चार में पहले कौन आएगा, तीन और चार में पहले कौन आएगा, सी ओ एन तक तो आपके पास कॉमन है, एस बाद में आता है और जी पहले आता है, तो थ्री आएगा और फिर चार आएगा, तो जो आपका आंसर है वो डी ऑप्शन हो जाएगा। बेसिक है, इसमें कुछ भी नहीं है, बहुत ही ईजी है, आपको बस अल्फ़ाबेट याद होने चाहिए ए से लेकर जेड तक और वो किस तरीके से फॉलो करते हैं, ओके। चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। सेलेक्ट द ऑप्शन विच कैन रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क इन द फॉलोइंग सीरीज 1, 8, 27, 64, 125, 216। तो दोस्तों ये भी बहुत इजी सवाल है, मैंने आपको पुरानी क्लासों में कहा है, और आपको अगर आप एसएससी एग्ज़ाम या इनफैक्ट किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम की प्रिपरेशन आप कर रहे हैं तो आपको एक से लेके 10 या 15 तक के क्यूब याद होने चाहिए और एक से लेके 25 तक के स्क्वायर याद होने चाहिए। तो आप अगर आपको याद हैं तो आप देखते ही पता लगा लेंगे कि ये एक का क्यूब है, ये दो का, ये तीन का, ये चार का, ये पाँच का और ये छः का, तो सात का क्यूब आएगा अगली टर्म में। तो सात का क्यूब इनमें से कौन सा हो जाएगा दोस्तों, 343, बी आपका आंसर हो जाएगा। इसमें कुछ भी नहीं है, बहुत ही ईजी सवाल है, इसको ज़्यादा डिस्कस करने का कोई मतलब नहीं है, ओके। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं, ये है ब्लड रिलेशन का सवाल। इफ़ ए इज़ द बी इज़ डॉटर, यानी जो ए है वो बी की डॉटर है, तो आप ऐसे लिख लेंगे ये बी है और ये एक जनरेशन नीचे ये होगी, जो ए है डॉटर, ये तो जो माइनस साइन है वो डॉटर को रिप्रेजेंट करेगा, और मतलब जो माइनस साइन है वो फीमेल को रिप्रेजेंट करेगा और जो प्लस साइन है वो मेल को रिप्रेजेंट करेगा। बी इज सी इज़ मदर, ओके। तो यहाँ पे जो सी बी है वो सी की भी मदर होगी, तो बी भी माइनस हो जाएगा। डी इज सी इज़ ब्रदर, तो ये देखिए यहाँ पे ऐसे हो जाएगा, तो डी अगर ब्रदर है तो ये मेल हो जाएगा और ये सिस्टर हो जाएगी। ये इसका हमें वो नहीं पता है जेंडर सी का, ये प्लस भी हो सकता है और माइनस भी हो सकता है। अब हमसे पूछा है कि हाउ इज़ डी रिलेटेड टू ए, जो डी है उसका ए से रिलेशन क्या है। तो आपको पता है कि डी मेल है और ये सिबलिंग्स हैं, मतलब भाई बहन में से कोई एक है, तो आपका बी सी आंसर हो जाएगा, ब्रदर, ओके। चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं, ये है डायरेक्शन बेसिस सवाल। ये मैंने आपको कई बार सवाल ऐसे करवा चुके हैं, तो चलिए आज इसकी भी प्रैक्टिस कर लेते हैं। रोहन वॉक से डिस्टेंस ऑफ 3 किलोमीटर टुवर्ड्स नॉर्थ, तो इसकी ये स्टार्टिंग पॉइंट है, ये 3 किलोमीटर नॉर्थ चल रहा है, ओके, नॉर्थ यानी कि उत्तर दिशा में। देन ही टर्न्स टू इज़ लेफ़्ट, वो अपनी बाई दिशा में मुड़ता है और 2 किलोमीटर चलता है, तो 3 किलोमीटर ऐसे चला है, फिर 2 किलोमीटर ऐसे चल रहा है, ठीक है। देन अगेन ही टर्न्स टू हिज लेफ़्ट, यानी बाएं दिशा में मुड़ता है और 3 किलोमीटर चलता है, तो यो यहाँ पे आ गया, ये 3 किलोमीटर हो गया। एट दिस पॉइंट ही टर्न्स टू हिज लेफ़्ट, यानी कि अब ये साउथ डायरेक्शन में देख रहा है, तो इसका जो लेफ़्ट होगा वो ये इस वाली डायरेक्शन में हो जाएगा और चलता है 3 किलोमीटर, तो 2 किलोमीटर तो दोस्तों ये था, तो वो यहाँ से यहाँ आ जाएगा, ये स्टार्टिंग पॉइंट हो गया। और तो हाउ फार इज़ ही फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, तो ये स्टार्टिंग पॉइंट है और ये डेस्टिनेशन पॉइंट है, ये 2 किलोमीटर है और वो 3 किलोमीटर चल रहा है, तो ये 1 किलोमीटर हो गया। तो स्टार्टिंग पॉइंट से उसकी दूरी पूछ रहा है, तो वो हो जाएगा 1 किलोमीटर, जो आपका डी आंसर है। चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं, ये फिर एक मैथमेटिकल ऑपरेशन है। पिछले में तो क्या हुआ था, आपको ऑप्शन चेक करने पड़े थे, इसमें आपको इक्वेशन दी गई है और आपको साइन लगाने हैं और उसके हिसाब से आपको आंसर निकाल देना है। चलिए इसमें कह रहा है कि ए का मतलब है गुणा, तो यही फॉलो करते हैं, ए इंटू थ्री। सी का मतलब क्या है, प्लस, तो ये चॉइस, ये प्लस हो जाएगा। बी का मतलब है भाग, तो ये बटे आ जाएगा और 12 आ जाएगा। डी का मतलब क्या है, माइनस 19, ओके। ऐसे करेंगे तो आप देखिए ये 12, ये 2 हो जाएगा, 8 या 24, 24 और 2 26 हो जाएगा, 26 माइनस 9 19 करेंगे,
तो आपके पास जो 7 है वो आंसर आ जाएगा। तो जो इसका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी ऑप्शन, बहुत ही ईजी है। चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। गिवन द इक्वेशन आर सॉल्व ऑन द बेसिस ऑफ सर्टेन सिस्टम, फाइंड द करेक्ट आंसर ऑफ द अनसॉल्व इक्वेशन। आपको दो इक्वेशन दी हुई है और ये एक पैटर्न को फॉलो करती है, तो उसी पैटर्न पे आपको ये तीसरी इक्वेशन जो अनसॉल्व है इसका आंसर नहीं दिया हुआ है, ये अपने को निकालना है। तो जो इक्वेशन दी हुई है 2, 4, 6 और 40 = 48 है, तो वो दोस्तों वो कैसे आएगा? ये इसमें करने के कई तरीके होते हैं, या तो आप स्क्वायर से चेक कर लीजिए या किसी और तरीके से चेक कर लीजिए। 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 और 4 का करेंगे तो 16, 16 और 4 20, 20 और ये 36 होता है, तो ये ज़्यादा हो जाएगा 48 से। सिंपल, अगर आप ज़्यादा डीप में नहीं जाएँ और बिल्कुल बेसिक से जाएँ, तो अगर ये प्लस की जगह आप प्लस की जगह मल्टीप्लिकेशन का साइन लगा दें तो 2 × 4 × 6 यानी 6 × 4 बराबर हो गया 24, 24 24 दूनी 48 हो जाएगा। ऐसे ही इसमें हो जाएगा 3 × 6 और 8 × 6 = 48, तो यही आपको जो प्लस की जगह है वो गुणा कर देना है। तो 2 × 5 × 7 7 × 5 = 35 2 × 7 = 70, तो आपका जो आंसर है वो बी ऑप्शन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। सेलेक्ट द मिसिंग नंबर फ्रॉम द गिवन रिस्पॉन्सेज। तो दोस्तों आपको एक टेबल दी हुई है, उसमें 3 नंबर दिए हुए हैं, 3 रो है, 3 कॉलम है। तो दोस्तों ये रिलेशन किसी में भी हो सकता है, आपके 3 रो में भी हो सकता है और कॉलम वाइज भी हो सकता है। लेकिन हम अगर ध्यान से देखें तो जो रो है उसका पहला और थर्ड ये डिविजिबल लग रहा है, तो मोस्ट प्रोबेबली रिलेशन इसी में होता है। तो 28/7 कर देंगे तो 4 आता है। 4 को अगर अपन 5 से मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो 20 आ जाएगा। अगर यही पैटर्न अगर आपको आपके सेकंड रो में भी फॉलो हो रहा है तो बहुत, तो आपका आंसर आ गया, आपका पैटर्न पकड़ में आ गया। तो आप देखिए 84 में 12 का डिवाइड करेंगे तो 12 × 7 = 84 होता है, तो 7 × 5 करेंगे तो 35 आपके आंसर आ गया। तो यही पैटर्न फॉलो हो रहा है। आप क्या करेंगे इसमें 45 में 9 का भाग देंगे, 5 × 4 करें, 5 × 5 करना है आपको, तो 9 × 5 = 45, 5 × 5 = 25 आपका आंसर हो गया डी ऑप्शन। इजी सवाल है इसमें। चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। ये भी बहुत इजी है, फाइंड द मिसिंग नंबर। ये आपको नंबर दिए हुए हैं 1728, 864, 432, 216 और आपको नेक्स्ट नंबर पूछ रहा है कि क्या होगा। तो बिल्कुल बिल्कुल सिंपल सवाल है। अगर आप देखते जा रहे हैं कि बटे 2 का भाग जाता जा रहा है, 2 का भाग जाता जा रहा है। अगर 1728 में 2 करेंगे तो 864, 864 में 2 करेंगे तो 432, 216, 216 में 2 का भाग देंगे तो आपके पास 108 आ जाएगा, जो कि बी ऑप्शन है। बहुत ईजी सवाल है, इसमें कुछ नहीं। ये है लॉजिकल मीनिंग का सवाल। तो विच वन ऑफ द गिवन रिस्पॉन्सेज वुड बी द मीनिंगफुल ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग। आपको 5 वर्ड दिए हुए हैं, कुक, बाय, डिनर, मार्केट और वेजिटेबल। तो दोस्तों सपोज कीजिए आप किस पैटर्न में फॉलो करेंगे इसको। मान लीजिए आपको भूख लगी, तो भूख लगी तो आप देखा घर पे कुछ भी नहीं है, आप जाएंगे मार्केट, तो सबसे पहले क्या आ जाएगा, मार्केट आ जाएगा। ओके, मार्केट आने के बाद अब क्या होगा, मार्केट में जाने के बाद आपको भूख लगी, आप देखेंगे क्या लेके आएंगे, वेजिटेबल लेके आएंगे या खाने की कोई भी चीज़ लेके आएंगे। वहाँ आपको दिखी तो खाने की चीज़ है 4, 5 वेजिटेबल। वेजिटेबल को आपने ख़रीदा तो ये आ जाएगा। फिर ये ख़रीदने के बाद आप घर आए, घर आ के उसको आपने पकाया तो वो हो जाएगा ये। और फिर जब पकाने के बाद सब कुछ हो गया तो खाना बनता है, उसको कहते हैं डिनर। तो 4, 5, 2, 1, 3 ये आपका आंसर हो जाएगा। तो जो ये है ये सी में है, तो इसलिए सी आंसर हो जाएगा। ये है वेन डायग्राम का सवाल। सेलेक्ट द वेन डायग्राम दैट बेस्ट इलस्ट्रेट द रिलेशनशिप बिटवीन द फॉलोइंग क्लासेस। रिलेटिव अंकल रिच। रिलेटिव का मतलब आपको पता ही है, जो रिश्तेदार होता है, अंकल, चाचा, मामा, कोई भी हो सकता है। रिच यानी कि अमीर। तो देखिए जो अंकल है वो आपका रिलेटिव होता है, मामा भी आपका रिलेटिव होता है। तो ये तो हो गया अंकल, ये किस कैटेगरी में आ रहा है, ये आ रहा है रिलेटिव की कैटेगरी में, और ये है अंकल। अब दोस्तों अंकल है वो गरीब भी हो सकता है और अमीर भी हो सकता है, तो वो इस तरीके से चला जाएगा, ये आपका रिच पोर्शन हो जाएगा। ये आपका डी में मैच कर रहा है, तो आपका जो डी है वो आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं।
सेलेक्ट द ऑप्शन इन विच द गिवन फिगर इज़ एम्बेडेड, तो आपको ये फिगर दिया हुआ है और रोटेशन अलाउ नहीं है इस सवाल में, तो ये आपको देखना है कि जो चारों ऑप्शन दिए हुए हैं उसमें किसको फॉलो कर रहा है। ओके तो इसको देखने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना है कि ये दो स्ट्रेट लाइन दी हुई है। अब आपको देखना है कि ये दो स्ट्रेट लाइन किस में है, स्ट्रेट लाइन इसमें नहीं है तो ये तो गलत ही हो जाएगा। इसमें स्ट्रेट लाइन है तो वो एक ही एक और स्ट्रेट लाइन होनी चाहिए तो ये भी गलत हो जाएगा। अब आपको देखना है कि जो ये वाला है इसमें देखिए आप, इसमें अगर आप देखेंगे अगर रोटेशन अलाउ होता तो देखिए ये वाला पोर्शन आप जो इमेज में बन रहा है इसका उल्टा, लेकिन हमें कह रहा है कि रोटेशन अलाउ नहीं है तो ये वाला गलत हो जाएगा। और जो आपका डी ऑप्शन है, डी ऑप्शन में देखिए कि ये वाला पोर्शन आपका जो दिया हुआ है वो मैच खा रहा है, तो आपका जो डी आंसर है वो हो जाएगा। ये अगेन वेन डायग्राम का सवाल है, लेकिन ये थोड़ा अपर लेवल का सवाल है जो हमने लास्ट टाइम किया था। तो देखिए जो चार चीज़ें हैं आपको दिखवा हुआ है, ट्राइंगल, सर्कल, ये है ट्राइंगल, ये है सर्कल, ये है स्क्वायर और ये है रेक्टेंगल। अब देखिए क्या ये इसमें बेसिकली क्या होता है कि जो चार चीज़ें होती हैं ये अलग अलग क्लास को रिप्रेजेंट कर रही होती है, अलग अलग वर्ग को बता रही होती है, तो वो आपको जो डायरेक्शन में दिया गया है वैसे वैसे फॉलो कर देना है। रेक्टेंगुलर कह रहा है कि रेक्टेंगुलर रिप्रेजेंट्स वेब डिजाइनर, तो ये जो ये वाला पोर्शन है ये वेब डिजाइनर को रिप्रेजेंट कर रहा है। सर्कल रिप्रेजेंट्स द ब्लॉगर, तो सर्कल ब्लॉगर को डिपेंड करता है जो ब्लॉग करते हैं इंटरनेट पर अपने विचार लिखते हैं और ओपिनियन देते हैं। ट्राइंगल रिप्रेजेंट्स द फोटोग्राफ, जो फोटो खींचते हैं फोटोग्राफर, प्रोफेशनल अमेचर कुछ भी हो सकता है। स्क्वायर रिप्रेजेंट्स क्रिकेटर, जो ये स्क्वायर वाला पोर्शन है ये कर रहा है क्रिकेटर को रिप्रेजेंट। तो हमसे क्या पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग लेटर रिप्रेजेंट्स वेब डिज़ाइनर हु आर क्रिकेटर, वेब डिज़ाइनर हु आर क्रिकेटर पूछ रहा है। तो दोस्तों रेक्टेंगुलर अपने को वेब डिज़ाइनर रिप्रेजेंट करता है। ओके क्रिकेटर कौन रिप्रेजेंट करता है, स्क्वायर। तो आपको देखना है कि इन दोनों का जो कॉमन शेड कॉमन एरिया है वो किस किस में आता है। तो कॉमन एरिया है ये वाला स्क्वायर और रेक्टेंगल का, उसमें आई और बी दोनों आते हैं, तो जो आपका बी ऑप्शन है वो आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कंक्लूजन कैन बी ड्रॉन फ्रॉम द स्टेटमेंट, तो दोस्तों स्टेटमेंट हमें दिया हुआ है ऑल कार्ड्स आर लेबल, यानी कि सभी कार्ड जो क्या हैं वो लेबल है, तो हम इसके लिए वेन डायग्राम बना लेंगे, बहुत ही ईजी होता है। ये हो गया कार्ड, ये सारे कार्ड क्या हैं लेबल है। ओके ये लेबल हो गया। फिर बोल रहा है नो पोस्टर इज आर लेबल, तो ये जो लेबल है ये पोस्टर को रिप्रेजेंट नहीं करते हैं, तो पोस्टर अलग तरह से क्लास हो गई। अब इन दोनों के बेसिस पे हमें कंक्लूजन फॉलो करना है कि जो दो कंक्लूजन है ये फॉलो हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। तो पहला कह रहा है कि नो कार्ड्स आर पोस्टर, तो ये जो कार्ड वाला पोर्शन है ये पोस्टर नहीं है, ये बिल्कुल सही हुआ है क्योंकि ये कभी दोनों क्लैश नहीं होंगे, क्योंकि सारे कार्ड तो लेबल हैं लेकिन लेबल का कोई भी पोर्शन पोस्टर नहीं है, तो ये वाला आपका पहला तो फॉलो कर रहा है। दूसरा कह रहा है सम पोस्टर आर कार्ड, ये पोस्टर वाला सेक्शन है और ये है कार्ड वाला सेक्शन, तो ये कहीं भी इंटरसेक्ट नहीं हो रहा है, तो ये सेकंड तो गलत हो जाएगा। सिंपल, तो आपका जो कंक्लूजन है वो पहला फॉलो हो रहा है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। चलिए आज के लिए इतना ही दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आ जाता है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। आपका कोई भी मित्र जो SSC CGL CHASL RRB NTPC या SSC JEE की प्रिपरेशन कर रहा है तो उसको आप ये वीडियो सेंड कीजिए। थैंक यू वेरी मच।